अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टिप इन अपनी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आप सबका वेलकम है और मैं हाजिर हूँ एक नया इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो लेकर आप लोगों के लिए। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चाँद के दो टुकड़े किए थे उस बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ हदीसों की रोशनी में। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं वीडियो के और करते हैं बिस्मिल्लाह। हज़रत अनस रदिल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि मक्का शरीफ के कुफार यानि कि काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अगर आप नबी हैं तो अपनी नबूवत की कोई निशानी दिखाए, हमें मौजज़ा दिखाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ अपनी उंगली से इशारा करके चाँद के दो टुकड़े करके दिखाए। बुखारी शरीफ 3637, मुस्लिम शरीफ 7076। हज़रत इब्ने मसूद रदिल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चाँद के दो टुकड़े हुए, एक पहाड़ के ऊपर था एक नीचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो इस पर गवाह रहो। सही बुखारी 56 हदीस नंबर 830। दोनों हदीसों का मकसद एक ही है, यानी चाँद के दो टुकड़े हो गए और इन दोनों टुकड़ों का वक़ूह ऐसा था कि जबले हीरा इनके दरमियान ऐसा नज़र आ रहा था कि एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर था और एक नीचे। इमाम फखरुद्दीन राजी ने फरमाया कि कुछ लोगों को ये वहम हुआ कि चाँद के दो टुकड़े फरमाने का मौजज़ा एक हौलनाक अमर था। अगर ये वाकया होता तो तमाम रुए ज़मीन के लोग देखते और हदीस के रावी कसीर तादाद में होते, इसी तरह हदीस मुतवातिर होती। हालांकि ये खबर वाहिद है तो इसका जवाब दिया गया कि जो हदीस और मौजज़ा को मानते हैं उनके नज़दीक कसीर मिकदार में उसे लोगों ने नकल किया है। जिस तरह सूरज को ग्रहण लगता है तो कोई तवज्जो करता है और कोई नहीं करता, भारत के एक राजा ने भी ये वाक़या देखा। सवाना है अल हरमैन में लिखा है कि शहर दहर जो सुबह मालों में दरियाई चंबल के करीब है, वहाँ के राजा अपने महल की छत पर बैठे थे। अचानक उन्होंने देखा कि चाँद के दो टुकड़े हो गए, फिर दोनों मिल गए। उन्होंने अपने पंडितों से उसका हाल पूछा। उन्होंने कहा, हमारी किताबों में लिखा है कि अरब में एक पैगंबर पैदा होंगे, उनके हाथ पर शक उल कमर का मौजज़ा ज़ाहिर होगा। उस राजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना एक कशीदा भेजा और आप पर ईमान ले आए। आपने उनका नाम अब्दुल्ला रखा, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पाक के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के दो टुकड़े किए और फिर से उनको जोड़ भी दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इसी तरीके के इस्लामिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल टिप एंड अपनी नॉलेज ऑफ इस्लाम को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सबसे अच्छे दो उसूल खौफ खुदा इसके रसूल।